ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है। मगर ये स्थिति अब इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है, यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने, उनके साथियों ने हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है, यही कहने के लिए यह आए थे। मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग बैठे थे, उनके पार्टी के साथी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे, अन्य जो पार्टी है सिक्योर वो सब लोग थे। ये सभी में इसी लाइन पर बात हुई, अब मिलने की आवश्यकता है, इस पर एक वाक्यता हुई है। और इसकी प्रक्रिया जो नीतीश जी ने शुरू की है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनको दो शब्द बोलने का सुझाव देता हूँ। ठीक है, तो साहब ने सारी बात कही दी, तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए और पहले भी मिले। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज़ का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि देश के हित में होने जा रहा है, आप जान लीजिए। एक सवाल है, पवार साहब, यूपीए जी आए, यूपीए बरोबर राहुल अशा पद्धतीने विरोधी पक्षाची सगळी एकजूट होणार आहे? हो सकते, जहाँ तक यूपीए में हम काम करते हैं तो वहाँ तो सभी की सहमति है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सब जो महाराष्ट्र में उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना हो, कांग्रेस तो है ही, हम लोग है ही, और यहाँ के और छोटे को पार्टी है, उनके साथ भी हम बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, जो एक गठबंधन बनेगा तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे के लिए लगे हुए, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। तो राहुल जी को सवाल ये है, बिल्कुल बिल्कुल साथ में तो साथ ही रहते हैं, सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। एक सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले, एक मिनट, पटिया में रिजाइन कर दिए थे, हम सबको खराब लगा था, अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो सब लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।